उनका कोई पार्टी में वैल्यू नहीं करता, ना सरकार में वैल्यू करता है, तो हम क्या वैल्यू करें? तो मतलब है तो घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या कहें? और संवाद बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव में कौन कौन माल देगा, किससे वसूली होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा में अपनी यात्रा के दौरान वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आप पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बंद कमरे में वो आरजेडी के नेताओं को क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो बाहर आकर बात करें। इसके जवाब में तेजस्वी यादव विजय सिन्हा पर भड़क उठते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी जी को बंद कमरे में नहीं मीटिंग करना चाहिए, वो वहाँ गोली और गाली की भाषा सिखा रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। वो जनता के बीच जाए, जनता से सीधा संवाद करें, न कि कार्यकर्ता से। उन्होंने ऐसा बयान बख्तियारपुर में दिया, लखीसराय में दिया। उनका कोई पार्टी में वैल्यू नहीं करता, न सरकार में वैल्यू करता, तो हम क्या वैल्यू करें? तो मतलब है एक वो काम गिनाए ना, जब से डिप्टी सीएम बने एक काम बता दो जो विजय सिन्हा के द्वारा किया गया जनता के, कोई नहीं गिना सकता है बिहार में। बेकार के आदमी का बिना खाली गाड़ी या सिक्योरिटी लेके घूमना और कोई काम है क्या? हमसे ज़्यादा जनता के बीच में रहे क्या? हम लोग तो 10 दिन में बिहार की यात्रा हम लोग ने की है, रात दिन रात सड़कों पे हमने बताया है, हमसे बड़ी जनसभा की है क्या, खुले मैदान में की है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। व्यवस्थित होकर के कार्यकर्ताओं से एकांत में इंटरनल पार्टी की बात हो रही है तो भाई अंदर ही होगी ना, खुले थुप्पे थोड़ी होती है। तो घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या कहें? इससे पहले विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर सवाल उठाया और जमकर आरजेडी पर निशाना साधा। ये आभार यात्रा का शुरुआत किए और आभार यात्रा को संवाद यात्रा में बदल दिए और संवाद बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव में कौन कौन माल देगा, किससे वसूली होगी। आम कार्यकर्ता की बात भी नहीं सुनना। अरे आप तो वही है ना जिनके पिताजी लाठी में तेल पिलाने की बात करके मुरेठा बनवाया था, समाज को भयभीत किया था। आप इसके लिए भी तो क्षमा मांग लेते इस धरती पर। कार्यकर्ताओं की भाव और भाषा को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम में जंग जारी है और इधर बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट अभी से शुरू हो गई है। देखना है दोनों के बीच आखिर ये जुबानी हमला कब तक जारी रहता है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।